एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट लाइक मी। सो मैं हूं मृत्युंजय और आज का जो वीडियो है वो है बिजनेस प्लानिंग के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिजनेस प्लानिंग क्यों ज़रूरी है। बिजनेस प्लानिंग में हमें कौन कौन सी चीज़ों पर ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीज़ों पर हमें फोकस करना है, इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा। सो देखिए क्या होता है कि बिज़नेस जब हम खोलते हैं तो हमारे माइंड में एक इमेज बनी हुई होती है कि हमें बिज़नेस को सक्सेस तक पहुंचाना है। लेकिन क्या होता है कि हम बिज़नेस प्लान नहीं करते हैं उससे पहले। हम बिज़नेस बस सोचते हैं, सोचने के बाद हम इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम कोई प्लानिंग नहीं करते हैं। और बाद में रिज़ल्ट क्या आता है, बाद में जो रिज़ल्ट आता है वो आता है बहुत नेगेटिव इन द सेंस कि बिज़नेस जो है वो सफल नहीं हो पाता, वो सक्सेस नहीं हो पाता। तो सिंपल सी चीज़ है, रिस्पॉन्स जो मिलेगा वो आपको नेगेटिव ही मिलेगा मार्केट से। सो इस वीडियो में मैं आपको बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बिज़नेस प्लानिंग क्यों ज़रूरी है और इसको क्यों कर लेना चाहिए बिज़नेस खोलने से पहले। सो देखिए क्या होता है अक्सर कि हम विदाउट प्लान बिज़नेस हम खोल देते हैं, उसमें बहुत सारा अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं। और जब हम बहुत सारा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो हमें रिस्पॉन्स मिलता नहीं है, और जब हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो हमारे जो अल्टीमेटली जो इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाता है। और जब वो ब्लॉक हो जाता है और वो रिटर्न नहीं आ रहा होता है तो हमारे माइंड में एक डिस्ट्रैक्शन पैदा होता है, हमारा माइंड जो है डिस्टर्ब होने लगता है। और जब डिस्टर्ब होने लगता है तो फिर हमारी जो सोचने की कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाती है। फिर हम अच्छी चीज़ें ना सोच के हम सिर्फ नेगेटिव सोचने लगते हैं। और नेगेटिव कैसे सोचते हैं कि यार इतना पैसा फंस गया, हमारा रिटर्न नहीं आ रहा, अब हम क्या करें, इतना अब हमारा बिज़नेस नहीं चल रहा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है। और जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है वहाँ पर हमें दिक्कत होने लगती है। सो मैं आपको बता दूँ कि ये जो चैनल है बेसिकली ऑटोमोबाइल बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन अगर आप कोई भी बिज़नेस खोल रहे हैं तब भी ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस वीडियो को स्किप मत करिए, पूरी इन्फॉर्मेशन आप देखिए, आपको आगे फ़ायदा होगा। अगर आप एक बिज़नेसमैन हैं या प्लानिंग कर रहे हैं खोलने की तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो देखिए क्या होता है, बिज़नेस प्लानिंग हमें क्यों करनी चाहिए। बिज़नेस प्लान इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बिज़नेस में हम सक्सेस होना चाहते हैं, बिज़नेस को हम एक पीक तक पहुंचाना चाहते हैं। और पीक तक आप तभी पहुंचा पाएंगे जब उसका एक प्रॉपर प्लान बनाएंगे। तो अब प्लान कैसे बनाएंगे, इस बिज़नेस प्लानिंग की बुक्स भी आती हैं, कई सारे आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, तो उन सब से भी आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। अगर आप वो नहीं करना चाहते, नहीं पढ़ना चाहते, तो यहाँ पे मैं हूँ, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो ध्यान से सुनिए, बिज़नेस प्लानिंग में कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। देखिए बिज़नेस प्लानिंग से ज़रूरी क्या होता है कि थोड़ा सा टाइम निकालिए, माइंड को बिल्कुल फ्रेश करिए, बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए माइंड को, फिर बैठिए एकांत में बिल्कुल अकेले, और फिर चीज़ों को एनालाइज करना शुरू करिए कि हमें बिज़नेस में कहाँ जाना है, हमें किस टाइप का बिज़नेस खोलना है। अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर से बिज़नेस खोल रहे हैं तो उसमें अलग प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। आप अगर आईटी सेक्टर का बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें प्लानिंग की अलग ज़रूरत पड़ती है। आप नॉर्मल लाइक शॉप आप कोई खोल रहे हैं तो उसमें प्लानिंग आपको अलग ज़रूरत पड़ती है। तो प्लानिंग तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और प्लानिंग सारे बिज़नेस में बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, स्पेशली ऑटोमोबाइल सेक्टर का बिज़नेस प्लान आप कैसे बना सकते हैं, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर का ही मैं इसमें ही मैं डील करता हूं, तो इसमें मैं आपको बताए दे रहा हूं कि आपको इसमें कौन सी। देखिए क्या होता है कि बिज़नेस शुरू करने से पहले आप कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर फोकस करिए, लाइक आप मार्केट रिसर्च पर सबसे ज़्यादा फोकस करिए। सबसे पहले तो आप अपने एरिया में ये देखिए कि सबसे ज़्यादा किस कंपनी की बाइक्स रन करती हैं, और इन चीज़ों को आप नोट डाउन कर सकते हैं। एक पेन एंड पेपर ले लीजिए, उस पर नोट डाउन करिए कि आपने बजाज की इतनी बाइक देखी, आपने हीरो की इतनी देखी, आपने TVS की देखी, आपने होंडा की देखी, आपने रॉयल एनफील्ड देखी, आपने और भी जो भी कंपनी आती हैं यामाहा है उसकी कितनी देखी। तो इनको आप नोट कर सकते हैं, नोट करके ये देखिए कि कौन कौन से मॉडल्स आपने देखे,
ठीक है, ये तो हो गई मार्केट रिसर्च। अब आ जाइए कि आप रहते कहाँ हैं, क्या आपका जो एरिया है वो रूरल है, क्या है, क्या आपका जो एरिया है वो अर्बन है। अगर आप एक गांव देहात साइड में बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ का आप ये देखिए कि वहाँ पे जो कस्टमर्स हैं, जो लोग हैं, वो कितने पैसे खर्च कर सकते हैं, उनकी अर्निंग क्या है। अगर वो जॉब वाले हैं तो एक सिंपल सी चीज़ है, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में है, प्राइवेट में है, तो वो सही अमाउंट खर्च कर सकता होगा। अगर कोई किसान है, गांव से जुड़ा हुआ है, खेती पे डिपेंड है, तो वो इतना अमाउंट नहीं खर्च कर पाएगा, क्योंकि उनकी जो आमदनी होती है वो लिमिटेड होती है और वो टाइम टू टाइम आती है। ऐसा नहीं कि उनको हर महीने एक सैलरी मिलती हो, लेकिन जॉब वालों को क्या होता है, उनको हर महीने सैलरी मिलती है, तो उनको तो पैसे खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये चीज़ भी आप नोट डाउन करिए। दूसरा ये कि आप जहाँ पे बिज़नेस खोल रहे हैं वो एरिया कैसा है, वहाँ पे कन्विंस कैसा है, क्या वहाँ पे मार्केट है, क्या वहाँ पे भीड़ ज़्यादा रहती है, इस चीज़ों पे, इन सारी चीज़ों पे भी आप फोकस करिए। दूसरा ये कि जब आप बिज़नेस प्लान करते हैं तो ये भी देखिए कि आपने जो शॉप ली है या आप लेने वाले हैं, क्या वो शॉप आपकी खुद की है या आप रेंट पे लेना चाहते हैं। अगर रेंट पे मिल रही है तो इसका रेंट कितना है, उस रेंट को कैलकुलेट करिए कि अगर 4,000 के हिसाब से है पर मंथ तो साल में कितना हो गया, प्लस इलेक्ट्रिसिटी ये जोड़िए। इलेक्ट्रिसिटी का भी आप देखिए कि अगर 500 पर मंथ आता है तो ये इसकी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये कि जब आप शॉप खोलते हैं तो उसमें जो है आपको फर्नीचर भी बनवाना है, उसका डेंट पेंट कराना है, ये भी एक प्लानिंग का ही पार्ट है। तो इसमें आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना आपका खर्चा होने वाला है। फिर अब आ जाइए, उसके बाद आप ये देखिए कि आपको जो है एडवर्टीज़मेंट भी करना है, आपको जगह जगह बैनर लगाना है, जगह जगह आपको होर्डिंग लगाना है, आपको फैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन भी कराना है, तो ये भी एक प्लानिंग का पार्ट है। एडवर्टीज़मेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट एडवर्टीज़मेंट बिज़नेस में सक्सेस होना तो बहुत टफ हो जाएगा। और जब इन चीज़ों पे भी आपका अल्टीमेटली इन्वेस्ट एक अच्छा खासा अमाउंट होता है। अब बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट आपका कितना है। तो इन्वेस्टमेंट कई बार क्या होता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर का जो टू व्हीलर का बिज़नेस है, इसमें तो देखिए क्या है कि आप अनलिमिटेड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें ये सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि इसमें आप 10 लाख लगाइए, 20 लाख, करोड़, 2 करोड़, आप कभी भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाएंगे और ना ही सारे पार्ट्स को आप अवेलेबल करा पाएंगे अपनी शॉप में। सो ये भी आपको देखने की ज़रूरत है। अब मान लीजिए आपका बजट 2 लाख से स्टार्ट करने का है और आपने एक बजट सेट किया है कि आप 7 से 8 लाख या 10 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करेंगे। तो आपने स्टार्टिंग करी है 2 लाख रुपए से। अब आपने स्टार्टिंग करी है 2 लाख से, तो आप ये भी देखिए कि आपको 2 लाख रुपए में कितना सामान मिलेगा, कितने पार्ट्स मिलेंगे और वो पार्ट्स कौन कौन सी गाड़ियों के हमें मिल जाएंगे, फिर उनमें कमी क्या रह जाएगी। तो इन चीज़ों पर भी आपको फोकस करना बहुत ज़रूरी है। इन सब चीज़ों को प्लान जो है पहले करिए, बिज़नेस खोलने के बाद नहीं। इन सब को प्लान जो है, एक आप मैंने बोला पेन और पेपर ले लीजिए, उस पे ये प्लान सारा बनाइए। इसमें कम से कम आप एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, आप पूरे 10 दिन लगाइए। आप मार्केट घूमिए, लोगों से मिलिए, लोगों से बात करिए। आजकल तो क्या होता है कि हर घर में आप देखते हैं 2 से 4 बाइक्स होती हैं और बाइक के बिना हमारी ज़िंदगी लगभग लगभग अधूरी सी है, क्योंकि पैदल तो आपने बहुत कम लोगों को चलते देखा होगा, साइकिल से भी लोग बहुत कम चलते हैं, तो बाइक्स ज़्यादा हैं। तो उन सबसे भी आप मिलके जो इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। और दूसरा ये कि अपने एरिया में देखिए कि आप जहाँ पे ये शॉप खोल रहे हैं, क्या उसके आसपास भी कोई स्पेयर पार्ट्स की शॉप है। अगर वहाँ पे है तो आपको, अगर एक मार्केट है तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। एक प्रॉपर मार्केट होगा तो उसमें ये होगा कि कस्टमर, कई बार ये होता है कि वो दूसरी शॉप पे गया, वहाँ पे रश होता है तो वो आपके पास आ जाएगा, तो इसका ये बेनिफिट होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि मार्केट में कई सारी शॉप्स ऐसी होती हैं जो बहुत रिप्यूटेड होती हैं, जो बहुत पुरानी हो चुकी होती हैं, उनमें कस्टमर का फेथ होता है कि यहाँ पे मुझे हर चीज़ मिल जाएगी, तो वो आपके पास कम आएगा। अब वो कस्टमर आपके पास कैसे आए, इस चीज़ की भी प्लानिंग करिए।
इस चीज़ में ये होगा कि आप उस जो वो शॉप है दूसरी वाली जो बहुत रिप्यूटेड है उससे आप कम पैसों में पार्ट्स बेचिए, कम पैसों में उसको कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कराइए। अगर वो 100 रुपीज़ सर्विस के ले रहा है तो आप 80 ले लीजिए। तो इस टाइप से कस्टमर आपके पास आएगा। फैम्पलेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसमें आप स्कीम्स ऐड कर सकते हैं, उसमें आप पार्ट्स पे डिस्काउंट ऐड कर सकते हैं, आप उस पे फ्री सर्विसेज का भी ऑप्शन दे सकते हैं। प्लानिंग है, ये सब ये एक प्लानिंग का पार्ट है और इनको लिख लेना, इन पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने जब बिज़नेस स्टार्ट किया था तो मुझे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन मैंने एक प्लानिंग के साथ बिज़नेस स्टार्ट किया था कि इस जगह पे शॉप है, यहाँ पे ऐसे इसका इतना रेंट है, इतना इसमें इलेक्ट्रिसिटी जाएगा, इतने की रैम्प आएगी, इतना इसमें फर्नीचर में खर्चा होगा, कितना जीएसटी में कितना इसका जीएसटी रिटर्न फाइल होगा। मैंने ये सारी चीज़ें प्लानिंग करी थी, कितना इसमें एडवर्टीज़मेंट में जाएगा, मुझे कहाँ कहाँ एडवर्टीज़मेंट करना है। तो इन सब चीज़ों पे मैंने ज़्यादा फोकस किया था और उसका रिज़ल्ट मुझे क्या मिला, उसका रिज़ल्ट मिला मुझे एक सक्सेस के रूप में। मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, विद इन अ मंथ ही मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा था और अब तो मुझे 2.5 साल हो गए हैं, तो एक अच्छा सेटअप उसका है और उसमें मुझे अब शायद कोई, मैं बहुत ही कम ध्यान दे पाता हूँ अब हालांकि, क्योंकि साइड में मुझे और भी काम अपने देखने पड़ते हैं, जो मेरे और बिज़नेस है मैं उन पर फोकस करता हूँ, लेकिन इस पर मैं कभी कभी चक्कर मारता हूँ। तो मैं सारी चीज़ों को मैनेज करता रहता हूँ कि देखता हूँ कि कौन सी चीज़ जो है ख़त्म है या मुझे कहाँ पे, जहाँ पे कमी नज़र आती है मैं वहाँ पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। अगर मुझे एडवर्टीज़मेंट में कमी नज़र आती है तो मैं उसका प्रॉपर एडवर्टीज़मेंट फिर करता हूँ या करवा देता हूँ, जैसी भी मुझे कमी लगती है मैं उसको फुलफ़िल करता हूँ। तो ये आप लोगों के साथ भी आप भी ये सब कर सकते हैं। अगर आप एक प्लानिंग के साथ बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो बिलीव मी गाइस, आपको सक्सेस होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप विदाउट प्लानिंग बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो बिलीव मी गाइस, आपको बहुत जल्दी जो है उसमें नेगेटिव चीज़ें देखने को मिलने लगेंगी। सो मेक श्योर आप बहुत जो है, जो पैसा है बड़ी मेहनत से आता है और जब आप मेहनत का पैसा विदाउट प्लानिंग कहीं पे खर्च करने लगते हैं या आप इन्वेस्ट कर देते हैं, जब उसमें रिस्पॉन्स नेगेटिव आएगा तब आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुख होगा, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा और जब आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा तो आपने आपकी जो सोचने की कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, आपको नेगेटिव थाट्स बहुत आएंगे दिमाग में। सो नेगेटिव थाट्स को दूर हटाने के लिए उनको कैसे दूर हटाया जाए, इससे अच्छा है ना कि हम प्लानिंग कर लें उस चीज़ की पहले ही, सो दैट हमें आगे चल के कोई हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट ना आए। सो बेसिकली मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि देखिए पैसे बड़ी मेहनत से आते हैं, आप 2 लाख 4 लाख 10 लाख रुपए बड़े हार्ड अर्न मनी होता है, तो जब आप बड़ी मेहनत का पैसा ईजिली कहीं जाने लगता है, इन्वेस्ट होने लगता है और उसका रिटर्न नहीं प्रॉपर आता है तो आप खुद ही सोचिए कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली या तो वो पैसा आपके पेरेंट्स ने दिया होता है या आप बैंक से लोन लेते हैं या आप अपनी मेहनत की कमाई, आप जॉब करके सेविंग्स करते हैं उसको इन्वेस्ट करते हैं, तो ये चीज़ें जब एक अच्छा रिज़ल्ट नहीं देती, आपका इन्वेस्टमेंट एक अच्छा रिज़ल्ट नहीं देता तो आपको कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत होती है, आप सैड होते हैं। क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आते रहते हैं कि सर हमने इतना अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया लेकिन हमें नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा देखने को मिल रही, हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। और गाइज मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले उसमें 6 महीने से 1 साल लगता है उसको सेटअप होने में, स्टार्ट तो आप कर देते हैं लेकिन उसको उसमें रिस्पॉन्स आने में टाइम लगता है। सो बिल्कुल भी पैनिक मत होइए इस चीज़ को लेके कि आपकी शॉप चल नहीं रही, आपका बिज़नेस रन नहीं कर रहा। वो रन तभी करेगा जब आप उसमें मेहनत करेंगे, जब आप उसमें पूरा टाइम डिवोट करेंगे, चीज़ों को एनालाइज करेंगे, चीज़ों को आप देखेंगे कि हमें कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और बिज़नेस प्लानिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई हैं इन सारी चीज़ों पे आप फोकस ज़रूर करें। अगर आप इन चीज़ों पे फोकस करेंगे तो आपको बहुत जल्दी जो है इसमें सफलता मिलेगी और आप एक अच्छा रिस्पॉन्स जो है मार्केट से ले पाएंगे कस्टमर के। और एक चीज़ मैं बता दूं कि आपकी शॉप पे कोई भी कस्टमर आता है, कोई भी कस्टमर, तो उन सबसे बहुत ही अच्छे ढंग से बात करें, बहुत ही
प्यार से डील करें उनको, ये नहीं कि आप उनको एटीट्यूड के साथ डील कर रहे हैं। अगर आपका एटीट्यूड जो है पॉजिटिव नहीं है उनके लिए, तो फिर आपको रिस्पॉन्स जो है आगे मिलने में दिक्कत होगी। तो मेक श्योर आप हम्बल रहिए, आप अच्छे रहिए कस्टमर्स के साथ, और उनको जो है सही चीज़ बताइए, कोई भी गलत चीज़ नहीं बताइए। क्योंकि आप अगर बिज़नेस में क्या होता है, कई बार लोग गलत चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करने लगते हैं, वो अल्टरनेट तरीके ढूंढने लगते हैं उनको, जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है, लाइक डुप्लीकेट आइटम्स, उन पे फोकस करने लगते हैं। तो आप ये चीज़ जान लीजिए कि जब आप डुप्लीकेट चीज़ों पे फोकस करते हैं तो वो आपका लॉन्ग लास्टिंग बिज़नेस नहीं रह जाता। जब ये चीज़ें पकड़ जाती हैं तो आपको कहीं ना कहीं नीचा देखना पड़ता है, और जब आपको नीचा देखना पड़ेगा तो आप समझ सकते हैं ये चीज़ अच्छी नहीं है एक बिज़नेसमैन के लिए। क्योंकि बिज़नेस करिए तो ईमानदारी से करिए, और इसमें पूरा अपना टाइम दीजिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास ये है कि जब भी आप बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, कोई भी बिज़नेस, स्पेशली मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात कर रहा हूँ, अगर आप 2-व्हीलर 4-व्हीलर इसका खोल रहे हैं, तो आप सारी चीज़ों की कॉस्टिंग वगैरह निकाल लीजिए कि इतना इतना आपका शुरुआत में इन्वेस्टमेंट आएगा, और फिर आपको कैसे रन करना है उन चीज़ों पे भी ध्यान दीजिए, और एक अच्छा सेटअप तैयार करिए। अच्छा सेटअप मेरा यहाँ पे मतलब है कि चीज़ें जो होनी चाहिए वो दिखनी चाहिए। अगर आपने कोई शॉप या शोरूम या गैराज सर्विसेज इसको खोला है, तो वो आप ऐसा बनाइए कि अट्रैक्टिव हो। अगर वो अट्रैक्टिव होगा ना, तो कस्टमर आपके पास खुद व खुद चल के आएगा। लेकिन अगर कोई चीज़ दिखने में ही अच्छी नहीं है, तो कोई भी नहीं आएगा कस्टमर। तो मेक श्योर कि चीज़ें अट्रैक्टिव हों, अच्छी जगह पे हों, मेन मार्केट हो या मेन मार्केट से बाहर आपका सेटलमेंट हो, जो भी शॉप है या आपके आपका शोरूम है, तो जितना भी आप इन्वेस्ट करें वो सही जगह पे इन्वेस्ट करें, और चीज़ों को ऐसा बनाएं सो दैट वो अट्रैक्टिव हो, कस्टमर आए, आपको एक पॉजिटिव रिस्पांस मिले। और जब आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलना शुरू होता है, तो आपको कहीं ना कहीं अंदर बहुत खुशी होती है, एक कॉन्फिडेंस लेवल आता है। दूसरी बात ये गाइस कि अंदर ही अंदर अपने अंदर जो है बहुत कॉन्फिडेंट रहने चाहिए, कॉन्फिडेंस आपके अंदर एक अच्छे लेवल का हो। नेगेटिव चीज़ों को बाहर रखिए, नेगेटिव अगर आप सोचेंगे बिज़नेस में तो बहुत ज़्यादा दिन तक आप सर्वाइव नहीं करेंगे। तो नेगेटिव चीज़ों को बिल्कुल दूर रखिए बिज़नेस से, हमेशा पॉजिटिव रहिए, सोचिए। अगर नहीं चल रहा है तो ये नहीं सोचना है कि नहीं चल रहा रिस्पॉन्स, ये सोचिए कि ये क्यों नहीं चल रहा है, और उसकी वजह जानिए। और जब आप उसकी वजह जान लेंगे ना कि यहाँ पर मैं लैग कर रहा हूँ या यहाँ पर मेरी कमी है, तो आप वहीं पर फोकस ज़्यादा करिए। अगर आप वहाँ पे फोकस करेंगे तो आप खुद ब खुद देखेंगे कि आपको एक पॉजिटिव जो है रिस्पांस मिलना शुरू होगा। तो बिल्कुल भी अपने आप को डाउन मत करिए, क्योंकि हम इंसानी हैं, और हम जैसे जो नए लड़के होते हैं, यंगस्टर्स होते हैं, वही थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं, सोच सकते हैं इतना। तो बिल्कुल एक अभी तो खून गर्म है, और गर्म खून को यूज़ कीजिए, दिमाग लगाइए, थोड़ा सा मेहनत कर सकते हैं अभी कर लीजिए, फिर बाद में मौका मिला ना मिला क्या पता। तो इन चीज़ों पर बहुत फोकस करना है, और बिल्कुल भी डाउन मत होने दीजिए अपने आप को। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, और पूरी जितना भी डिवोशन है, जितना भी आपको ताकत है, वो सारी लगाइए। और जब आप सारी ताकत लगाएंगे, तो फिर आप समझते ही हैं ऊपर वाला भी आपका साथ देगा और लोग भी आपका साथ देंगे। तो इन सब चीज़ों पर फोकस करते रहिए, बहुत अपना अच्छे से आगे बढ़िए, मेहनत करिए, ऑनेस्टी दिखाइए। एक बात और कि यार मैं बहुत सारे वीडियोस बनाता हूँ आप लोगों के लिए, बिज़नेस से रिलेटेड होते हैं, व्हीकल के रिव्यूज़, तो वो भी चेक कर लिया करो। नॉर्मल व्लॉग होते हैं उनको भी चेक किया करो, देखा करो। आप लोग उन पे तो देखते नहीं है बिल्कुल, सिर्फ बिज़नेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख लेते हो, बाद बाकी ख़त्म। अरे इट्स अ मिक्स चैनल, जाओ चेक करो, देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, और फॉलो नहीं करोगे तो फिर अपने क्वेश्चंस का आंसर कैसे ले पाओगे। सो जाओ फॉलो करो, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ पे आप उसका फ़ायदा है, DM कर सकते हो, मेरा नंबर ले सकते हो, मुझसे कोई दिक्कत हो WhatsApp कर सकते हो, बात कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आगे आएगी, और बिज़नेस से रिलेटेड भी आएगी, व्हीकल से भी रिलेटेड आएगी, नॉर्मल ब्लॉगिंग सबसे आएगी रिलेटेड। तो इन सब चीज़ों में भी इंटरेस्ट दिखाइए, और DM करिए, अपने क्वेश्चंस पूछिए, मुझे एडवाइस दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करो, और क्या करना है, और अच्छे से रहना है, बिज़नेस पे फोकस करना है, बस इतना ही करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
किसी नए टॉपिक के साथ, और नया टॉपिक होगा बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत जल्दी उसका वीडियो मैं बना रहा हूँ और वो टॉपिक भी बिजनेस से रिलेटेड है, तो उसका भी वेट करो, आने वाला है जल्दी। कार चलाते हो तो सीट बेल्ट पहनो, और बाइक चलाते हो तो हेलमेट ज़रूर पहनो, और अपना बहुत ख्याल रखो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अच्छे से, बाय बाय।